तो स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल ट्राई टू न्यू में। आज के वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ यूपी बोर्ड के रिजल्ट के बारे में। अगर आपने भी इस साल यूपी बोर्ड का एग्जाम दिया है, आप उन रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है। इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखते रहिए, साथ ही इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और दोस्तों, अगर आप ये चाहते हैं कि आपका रिजल्ट जैसे ही आए आपको उसकी जानकारी मिल जाए, उसका नोटिफिकेशन मिल जाए, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके उसके बगल में बेल आइकन दिया गया है, इसको प्रेस कर लीजिएगा। तो दोस्तों, यहाँ पे यूपी बोर्ड की बात करें तो यूपी बोर्ड की परीक्षाएं 7 फरवरी से शुरू होकर 28 फरवरी तक चली थी। करीब 58 लाख स्टूडेंटों ने भाग लिया हुआ था। और पिछले साल की बात करें दोस्तों, तो पिछले साल 29 अप्रैल को यूपी बोर्ड का रिजल्ट घोषित किया गया था। लेकिन दोस्तों, ये बताया जा रहा है कि इस बार रिजल्ट आपका थोड़ा सा जल्दी घोषित किया जाएगा। अब कितना जल्दी घोषित किया जाएगा, तो यहाँ पे आपको बताया जा रहा है कि करीब 10 अप्रैल से लेकर के 15 या 20 अप्रैल के बीच में रिजल्ट घोषित कर दिया जाएगा, यानी कि 8 से 10 दिन पहले रिजल्ट पिछले साल की अपेक्षा घोषित किया जाएगा। अब बारी आती है किस तरह से आप जो है रिजल्ट चेक कर सकते हैं, किस वेबसाइट पर रिजल्ट आता है। तो दोस्तों, इसके लिए इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट पर आप जा सकते हैं रिजल्ट चेक करने के लिए, या फिर इसकी एक वेबसाइट और है uprijits.nic.in। इसी वेबसाइट पर पिछले साल भी रिजल्ट आया था, जहाँ पर आप इस वेबसाइट पर जाकर के पिछले रिजल्ट भी देख सकते हैं जो पिछले साल अनाउंस हुए थे, तो वहाँ पर आप रिजल्ट को चेक कर सकते हैं। साथ ही दोस्तों, आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के भी रिजल्ट चेक कर सकते हैं। जो ऑफिशियल वेबसाइट है upmsp.edu.in, इस वेबसाइट पर भी रिजल्ट घोषित किया जाएगा। तो जैसे ही रिजल्ट आएगा आपको जानकारी मिल जाएगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक फॉर वॉचिंग।